A big hello to all my class 11, you know, goody goody children. A very good batch, very hardworking, very studying, very focused, very dedicated. My batch, I'm so proud of you. So, how are you all doing? Padhai kaisi chal rahi hai? Kaisi zindagi chal rahi hai? Good? Okay. So, aaj hum kyun zyada excited hai? Aapko pata hai, main jab bhi ek naya lecture start karti hu, थोड़ी ओवर एक्साइटेड होती हो तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यू नो इट वेरी वेल वी आर गोइंग टू स्टार्ट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन दैट इज क्लास 11 चैप्टर 18 राइट चैप्टर 18 फ्रॉम क्लास 11 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सो आर यू रेडी गाइज इवन आई एम चलो लेट्स स्टार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं हमारे बॉडी में दो सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं वन इज योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द अदर इज योर लिम्फैटिक सिस्टम नाउ व्हाट इज दिस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फैटिक सिस्टम चलिए मैं आपको एक अच्छे से टेबल से समझाती हूँ राइट एक अच्छे से ड्रॉ करके मैं समझाती हूँ आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं हमारे बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत हुआ क्लास 10 में आप एक वर्ड पढ़ते हैं दैट इज लिम्फ बट ये लिम्फैटिक सिस्टम एग्जैक्टली है क्या नाउ लिसन हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली तीन चीज का बना हुआ है वन इज माय हार्ट राइट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स मैं लिखती जाऊं वन इज द पंप जिसको हम कहते हैं हार्ट जो ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है अच्छा ये पंप क्या चीज करता है अभी अभी मैंने क्या बताया क्या पंप करता है ब्लड को सो इट पंप्स द ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट के अलावा नेक्स्ट कंपोनेंट इज द फ्लूइड जिसको वो लेकर जाता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लड इस ब्लड को पूरे बॉडी के सेल्स में लेकर गया से सेल्स तक पहुंचाया सेल में ऑक्सीजन दिया फूड दिया वेस्ट ले लिया एंड देन दिस ब्लड इज कलेक्टेड एंड ब्रॉट बैक टू द हार्ट ठीक है सो सिंस ब्लड एक लिक्विड है सो इस ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वी नीड अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स राइट दिस सिस्टम ऑफ हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स जो मेरी बॉडी में पाया जाता है जो फूड ऑक्सीजन हॉर्मोन्स को बॉडी के हर एक सेल तक लेकर जाता है एंड वेस्ट को वापस लेकर आता है CO2 को वापस लेकर आता है ताकि बॉडी उसको एलिमिनेट करने के तरीके सोच सके इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक चीज क्या होती है आप इसको देखो जैसे ये ब्लड आया ये ब्लड सेल्स में गया राइट एंड सेल में ये अनलोड करेगा फूड एंड ऑल द यूजफुल स्टफ एंड अपलोड करेगा ऑफ ऑल द बैड स्टफ को ये अपलोड करेगा ये जो ब्लड जब किसी भी सेल में पहुंचता है आई यूज अनदर कलर से येलो ये ब्लड का कुछ पार्ट कौन सा पार्ट द लिक्विड पार्ट जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा ये ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है जब यहां पर यू नो ब्लड कोई भी ऑर्गन में जाता है तो आपको पता है ये स्प्लिट करता है इंटू कैपिलरीज ठीक है ये स्प्लिट करता है इंटू कैपिलरीज बाद में ये कैपिलरीज यूनाइट करते हैं ठीक है दे ऑल ऑफ देम दे यूनाइट एंड दे फॉर्म यू नो वेन्यूल्स एंड वेन्स एंड वे वेन बाद में ब्लड को वापस ले जाता है जब ये कैपिलरी में स्प्लिट करता है बेटा तो इस कैपिलरी से ब्लड का कुछ फ्लूइड जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा ये ब्लड में से बाहर आ जाता है और इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है एंड एक्चुअली सेल से एक्सचेंज इस प्लाज्मा के थ्रू होता है ठीक है तो अगर आप बोलोगे तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग यहां बना दूं ये मैंने आपको दिखाया ये मेरे सेल्स है इस सेल में आपके कैपिलरीज का जाल है इस कैपिलरी से द प्लाज्मा पार्ट द लिक्विड पार्ट ठीक है ये आपका बाहर आ जाता है जिसको मैं यहां पर बना रही हूं जिसको हम लोग इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं ठीक है ये ब्लड का सारा कंपोनेंट होता है इसमें प्लाज्मा होता है इसमें WBC होता है इसमें प्लेटलेट्स होता है केवल RBC नहीं होता ये प्लाज्मा के अक्रॉस एक्सचेंज होगा हम सेल को यू नो न्यूट्रिएंट्स देंगे ऑक्सीजन देंगे एंड सेल से हम वेस्ट वगैरह को ले लेंगे एंड ऑक्सीजन हम देंगे ये चीजें हम उसको देंगे एंड इससे वेस्ट एंड CO2 ले लेंगे ठीक है इस प्लाज्मा में हम ले लेंगे वेरी गुड अब हुआ क्या अगर ये तो एक जगह मैंने दिखाया जगह जगह पर ये ब्लड कैपिलरीज बनाएगा हर सेल में जाएगा और ये ऐसे कैपिलरीज बनाएगा और ये अपने ब्लड का कुछ पार्ट को बाहर निकाल देगा एंड बाद में ये आपके कैपिलरीज जुड़ के चले जाएंगे अगर हर एक सेल में थोड़ा सा प्लाज्मा बाहर आ जाएगा थोड़ा थोड़ा वन ड्रॉप भी बाहर आ गया
आपको पता है हमारे ब्लड में कितना ब्लड हमारे बॉडी में कितना ब्लड है, 5 लीटर ब्लड है, और ये 5 लीटर ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सेल को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए, वेस्ट लेने के लिए, एंड इतना वॉल्यूम होने से प्रेशर भी बरकरार रहता है, ठीक है, ब्लड का प्रेशर सर्टन वॉल्यूम, अगर ब्लड कम कर दोगे तो ब्लड का प्रेशर भी क्या होगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है भाई, गुड है। लेकिन अगर हर सेल में ब्लड अपना थोड़ा सा प्लाज्मा बाहर निकाल दे, थोड़ा प्लाज्मा बाहर निकाल दे, फिर एक सेल में गया, अपना एक और सेल में गया, वहां से थोड़ा प्लाज्मा बाहर निकाल दिया ताकि एक्सचेंज हो सके, तो धीरे धीरे ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, कम होता चला जाएगा। आपके तो एक मिनट में आपके हार्ट से पूरा ब्लड एक बार 5 लीटर गुजर जाता है, 1 मिनट में 1 बार 5 लीटर ब्लड आपके पूरे बॉडी से गुजर कर आ जाता है। तो आप सोचो दिन भर में मरने तक लाखों बार, यू नो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम द ब्लड इज एक्चुअली मूविंग अक्रॉस द बॉडी एंड लिटिल बिट ऑफ प्लाज्मा इज मूविंग आउट। अगर ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके प्लाज्मा निकलता चला जाएगा तो ब्लड का तो वॉल्यूम घट जाएगा, ये 5 लीटर से 4 लीटर हो जाएगा, फिर है ना 3 लीटर 2 लीटर, इस तरह से तो ब्लड का वॉल्यूम है, प्रेशर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, हम मर जाएंगे, एक्सीडेंट होता है, ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, आदमी मर जाता है, ठीक। अब हर बार हम जिस सेल में जाते हैं थोड़ा प्लाज्मा निकालते हैं ताकि उसके अक्रॉस एक्सचेंज हो सके, इस प्लाज्मा को मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैं यहां पर अगेन, अब मैं कलर आई चेंज, आई मेक इट ब्लू, नो ब्लू ऑलरेडी यूज्ड है, सो विच वन, ओके, विल यू लाइक गोइंग फॉर व्हाइट, ओके, नो व्हाइट येलो के साथ कंफ्यूज हो जाएगा, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। ये जितना फ्लूइड जगह जगह पे निकला, इस फ्लूइड को वापस पहुंचाना बहुत जरूरी है इस सर्कुलेटरी सिस्टम में, राइट। इसके लिए आई नीड सम प्लेस, सो इसको एक बार मैं यहां मिटा दे रही हूं, नाउ यू अंडरस्टैंड यहां हो क्या रहा है, ठीक है। सो आ जाओ, ये एक इस ये जो फ्लूइड है इसको मैं ब्लू कलर से दिखा देती हूं, ये जो आपका निकला जगह जगह से, ये जो निकला इसको कलेक्ट करके हमें वापस कहां पहुंचाना है, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ताकि ये जो जगह जगह पर थोड़ा प्लाज्मा का लॉस हुआ है, इट कैन गो बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, सो दैट द ब्लड का वॉल्यूम एंड प्रेशर रिमेन्स इंटैक्ट, 5 लीटर मेंटेन रहे, मतलब जगह जगह पर जो ब्लड का थोड़ा 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 हिस्सा निकला है, सबको कलेक्ट कर करके कॉटेड सबको फिर से कलेक्ट करके हमें एक साथ लाएंगे और वापस ब्लड सिस्टम को दे देंगे, ताकि ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर मेंटेन रहे। ये जो सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो इसको ड्रेन करता है, दिस एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड को, एंड वापस लाकर मेन में मिलाता है, दिस सेकेंड सिस्टम जो ब्लू कलर से दिखाया है, दैट इज योर लिम्फैटिक सिस्टम। ये है आपका जो रेड कलर का है, दिस इज ब्लड यू नो सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दिस इज योर लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाई? बिकॉज ये जो फ्लूइड है प्लाज्मा विदाउट आरबीसी, इसको हम कहते हैं लिम्फ, ठीक है, इसको कहते हैं लिम्फ, और जो इसमें जा रहा है इसको कहते हैं ब्लड। तो ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड में आरबीसी होता है एंड कुछ प्रोटीन्स होता है जो लिम्फ में नहीं होता, लिम्फ में आरबीसी नहीं होता, एंड सम हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स नहीं होते, ठीक। अब ये लिम्फ को सर्कुलेट करके वापस ला रहा है, दैट्स कॉल्ड एज लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में दो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ लिम्फ। ये लिम्फ जिस वेसल से जाएगा उसको हम कहते हैं लिम्फ वेसल, एंड इसमें हार्ट नहीं होता, जैसे इसको पंप करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हार्ट है, इसमें हार्ट नहीं होता, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं लिम्फ नोड्स, राइट, इसको कहते हैं लिम्फ नोड्स। मैंने क्या बताया, दिस इज योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये किसका बना हुआ है, हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ये बना हुआ है लिम्फ लिम्फ वेसल्स और लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फ नोड्स का। तो दो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। आई होप यू गॉट इट। एक अच्छे डायग्राम देख लो, देखो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्टरीज वेन्स रेड एंड ब्लू में दिखा रहे हैं, और ये जो ग्रीन में दिखा रहे हैं ना, दैट्स योर लिम्फैटिक, इसको हटा दिया है। सो वी हैव टू सर्कुलेटरी सिस्टम, वन इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो बना हुआ है ब्लड, ब्लड जिस वेसल से जाएगा ब्लड वेसल, और उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी कौन लेकर जाएगा, हार्ट। लिम्फैटिक सिस्टम में द फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ, द वेसल इज कॉल्ड एज लिम्फ वेसल, बट ये जगह जगह पर आप देखोगे स्वोलन है, देखो ये जगह जगह पर स्वोलन है, उसको हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड्स, जगह जगह पर,
ऐसे राउंड राउंड है, दिस इज कॉल्ड एज लिम्फ नोड. बचा हुआ लिम्फेटिक सिस्टम हम डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, एंड इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से और अच्छे डिफरेंसेस हम आपको बातें बताएंगे. फिलहाल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट वन, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, राइट. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज ब्लड. आर यू रेडी? सबसे सिंपल टॉपिक पढ़ रहे, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो. द ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. द ब्लड इज फ्लूइड इन नेचर, इट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ द बॉडी विद अनदर, सो इट्स कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू. सिंस इट इज फ्लूइड एंड कनेक्ट्स, वी कॉल इट एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. जो मेनली दो पार्ट का बना है, द लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, एंड द सेल्स दैट आर फाउंड इन दिस लिक्विड पार्ट, लुक एट दिस, दिस येलो कलर्ड इज योर प्लाज्मा, ठीक है. और इसमें जो सेल्स बना है, इसके लिए बहुत सारे नाम है. एक है कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स का मतलब ये होता है सेल्स, राइट. एंड इसका एक और नाम है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. डू यू नो दैट व्हाई डू वी कॉल देम फॉर्म्ड एलिमेंट्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जो है ब्लड कॉर्पसल्स, इनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? एनी गेसेस? मैं भी नहीं बताऊंगी. इफ यू नो इट, गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर आंसर्स. और अगर फिर भी नहीं समझ में आए, सो जॉइन मी ऑन माय इंस्टाग्राम, राइट. देयर आई विल बी गिविंग अ स्मॉल वीडियो टू एक्सप्लेन व्हाई आर दीज कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट. सो अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा आपको सोचने का, पढ़ने का, खोजने का वक्त दे रहे. So blood is a fluid connective tissue. It is the liquid part which you see here. That's called as the plasma. And the cells जो इसमें पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं corpuscles या formed elements, right? ये जो formed elements हैं, this is of three types. One is erythrocyte. Erythro means red. Cyte means cells. Since these cells are red in color, we call them erythrocytes or red blood cells. Or RBC, red blood cells, or red blood corpuscles, red blood corpuscles. So short में इसको हम कहते हैं RBC. So RBC के मैंने आपको नाम क्या बताया? Erythrocyte. Next is leukocyte. Leuko means colorless, cyte means cell. So these colorless cells are white in color, white blood corpuscles or white blood cells. So इसको हम लोग short में कहते हैं WBC, white blood corpuscles. And thrombocytes, right? Cytes, thrombo, इसका एक main enzyme है thrombokinase, जो वो clotting में मदद करता है. वैसे cells जो clotting में मदद करते हैं, cyte means cells, उसको हम लोग कहते हैं thrombocytes, जिसका दूसरा नाम है platelets. Right, you know that they are called as platelets. अब ये जो RBC है, हम पढ़ेंगे जो WBC है, इसका further classification है और बहुत important है. Medical में इससे बहुत question आता है, आपको clear दिखे इसलिए मैंने साफ कर दिया. WBC दो category को belong करते हैं, granulocytes. कुछ में granules होते हैं, कुछ में नहीं होते, उसको कहते हैं granulocyte. Granulocyte फिर तीन तरह का है, neutrophil, eosinophil, basophil. ये दो तरह का है, lymphocyte and monocyte. And lymphocyte फिर small and large. ये पूरा detail हम लोग पढ़ेंगे, right? तो wait किस चीज का? Let us start with the first part, that is the fluid part, that is plasma. Plasma क्या है? It is the extracellular fluid. Yes, cells के बाहर है ना? अगर ये आपका ब्लड है तो ये आपके सेल्स है, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके बाहर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो लगभग ब्लड का 55% वॉल्यूम, ठीक है, 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इज ऑफ प्लाज्मा. जब आप ब्लड को लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो इसका प्लाज्मा पार्ट एंड जो सेल पार्ट है ये सेग्रीगेट कर जाता है. सेग्रीगेशन में देखते हैं द प्लाज्मा एक्चुअली कंप्राइजेस 55% ऑफ द कंप्लीट ब्लड, एंड जो आपके सेल्स हैं ये 45% ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूट करते हैं. प्लाज्मा का पीएच कैसा है? इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, 7 से थोड़ा ऊपर होता है, एंड ये लगभग 90-92% वाटर का बना हुआ है. अगर हम आपसे पूछे प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वॉट इज प्लाज्मा मेड अप ऑफ, सो प्लाज्मा लगभग 90-92% वाटर का है, जिसमें
7% उसमें प्रोटीन्स एंड 0.9% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड 0.1% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक यू नो ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ये सारे पाए जाते हैं। ये आपको आई होप समझ में आ गया। 92, 7, 99.9 एंड 0.1%। ये जो प्रोटीन्स है जो पानी के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट कंपोनेंट रखते हैं 7%। प्लाज्मा में बहुत वैरायटी, लगभग लोग कहते हैं 20 टाइप्स ऑफ यू नो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें से तीन बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों का नाम और फंक्शन आपको जानना है। राइट, तीनों का नाम एंड फंक्शन आपको जानना है। सो वील नॉट वेस्ट, वील लर्न दोज थिंग्स। बट बिफोर दैट मैं एक छोटा सा टेबल फॉर्म में मैं आपको दिखा दूं। सो प्लाज्मा किस चीज का बना हुआ है? सो इट इज मेड अप ऑफ मेनली वॉटर, एंड वॉटर कितना कंस्टिट्यूएंट है? लगभग 92%। नेक्स्ट अबंडेंट थिंग इसमें है, इस पानी में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स आर अप्रोक्सीमेटली 7%। इसके अलावा हमने पढ़ा था 0.9% इनऑर्गेनिक आयंस, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये इसमें पाए जाते हैं। एंड 0.1% आपको पता है प्लाज्मा एक जगह से दूसरी जगह 0.1% पाया जाता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो ये खाना वगैरह एक सेल से, मतलब जो हर एक सेल तक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें जो लेकर जाता है, तो प्लाज्मा ही लेकर जाता है। एक्चुअली हर एक सेल तक फूड कौन लेकर जाता है? तो प्लाज्मा पार्ट ऑफ द ब्लड लेकर जाता है। ये जो प्रोटीन्स है ये बहुत तरह के, लेकिन इसमें से तीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। वन ऑफ देम इज एल्ब्यूमिन, हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में डिटेल में। द सेकेंड इज ग्लोब्यूलिन, राइट, इसका भी क्या फंक्शन है ये भी हम पढ़ेंगे। एंड द थर्ड इज योर फाइब्रिनोजन, ठीक है, एंड द थर्ड इज फाइब्रिनोजन। ये तीन प्रोटीन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ दैट यू नो इट, द प्रोटीन्स दैट आर फाउंड हियर आर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। व्हाट आर एल्ब्यूमिन्स? एल्ब्यूमिन वैसे प्रोटीन है जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। कैसे समझाएं आपको? आपके बॉडी में हर एक जगह से ब्लड जा रहा है, राइट, एंड ये आपके सेल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा इज मेनली मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90-90% ये वॉटर का बना है। अच्छा ठीक है, अब ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल सेल्स का लाइन है, एंड सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लाइन है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, आपको पता है। तो आपको अगर हम ब्लड को नया कलर चेंज कर देती हूँ, आई जस्ट डू इट विद येलो, दिस ब्लड, अगर ये ब्लड का वॉटर पार्ट ज्यादा डिफ्यूज हो गया इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, तो क्या होगा? एक तो ब्लड का वॉल्यूम फॉल कर जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम फॉल कर जाएगा, एंड सेल के बीच में पानी ज्यादा इकट्ठा होने से ओइडमा, फुलावट हो जाएगी। आपको पता है ओइडमा एंड ओबेसिटी में अंतर क्या है? दोनों ही मोटापा होता है। ओबेसिटी होता है ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ फैट, चर्बी से जब आप मोटे होते हैं, और जब पानी की वजह से फुलावट आ जाती है, क्या हो रहा है? ब्लड में से पानी डिफ्यूज करके इंटरसेलुलर स्पेस में इकट्ठा हो जा रहा है, दैट लीड्स टू यू नो इंक्रीज इन बल्क, दैट्स कॉल्ड एज ओइडमा, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, आपको बताए तो 90% वाटर का है, तो आपको पता ऑस्मोसिस में क्या होता है? वी मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, या हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। अब इसमें अगर हम प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन क्या करता है, ये ब्लड को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है, क्योंकि अगर ब्लड ज्यादा डाइल्यूट होगा तो वाटर लॉस होगा, तभी ना वाटर का लॉस होगा। अब एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता है ताकि अननेसेसरी लॉस ऑफ वाटर ना हो। ये सॉल्यूट का काम करता है। आपको पता है ना, यहां पर मेरे पास एक प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है, और यहां एक चम्मच नमक है वाला पानी है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज दिस इज प्योर। बट अगर इस प्योर वाटर में भी हम 1 teaspoon नमक मिला देंगे तो दे विल बी इन इक्विलिब्रियम, सो दे विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर,
ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो मूवमेंट रुक जाएगा। वैसे ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन सॉल्यूट का काम करता है जो वाटर के मूवमेंट को रोकता है। इन शॉर्ट ये कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा का मेंटेन करता है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बहुत कुछ बता दिया, आप केवल यही चीज याद रखोगे ये ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखता है ताकि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ब्लड से इंटरसेलुलर स्पेस में ना हो जाए। हो गया, गुड। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है हमारे बॉडी में जब कोई पैथोजन आता है, एंटीजन, हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, एंटीबॉडीज का साइंटिफिक नेम है इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी का साइंटिफिक नेम है इम्यूनोग्लोबुलिन, GLOBULIN। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वाई? क्योंकि एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी को शॉर्ट में एबी में भी लिखा जाता है, एंटीबॉडीज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन। वाई? बिकॉज इम्यूनोग्लोबुलिन दे गिव अस इम्यूनिटी एंड दे आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स विद दोज ग्लोबुलिन प्रोटीन्स विच गिव अस इम्यूनिटी दे आर कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो ग्लोबुलिन प्रोटीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटीबॉडीज, या हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है। थर्ड इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन वो प्रोटीन है जो ब्लड में क्लॉटिंग में मदद करता है, क्लॉटिंग में मदद करता है फाइब्रिनोजन। ओजन, किसी भी प्रोटीन में ओजन लिखा है इसका मतलब वो इनएक्टिव है। ये फाइब्रिनोजन आपको हम बाद में पढ़ाएंगे ब्लड क्लॉटिंग में, ये जो फाइब्रिनोजन है ये ब्लड में सॉल्यूबल होता है। जैसे पानी है, पानी में आप चीनी मिला दो तो घुल जाता है ना, सॉल्यूबल हो जाता है। बट इसी पानी को जब आप गैस पे चढ़ा दोगे तो जैसे जैसे पानी उड़ेगा चीनी देखोगे क्रिस्टलाइज कर जाएगा, और बहुत बार ये चीनी ऐसे रेशे और जाल भी बना देता है। वैसे जैसे ये फाइब्रिनोजन अपने एक्टिव फॉर्म फाइब्रीन में कन्वर्ट होता है, ठीक, ये सॉल्यूबल से क्या हो जाता है, फाइब्रस हो जाता है, ये जालदार हो जाता है। राइट? होता क्या है, मैंने कहा ना चीनी पानी में घुला हुआ है, उसको गैस पे चढ़ा दो, पानी जैसे से उड़ेगा चीनी क्रिस्टलाइज हो जाएगा। वैसे ही फाइब्रिनोजन के फॉर्म में जब तक रहता है ब्लड में घुला हुआ रहता है, जैसे ही वो फाइब्रीन में कन्वर्ट होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। ये आपका ब्लड वेसल है, यहां कट गया, ठीक, तो ये फाइब्रीन इस तरह का जाल बनाता है। ये है, देखो जाल बना रहा है, ये ऐसे ब्लड जा रहा है, आप ऐसे देखो ब्लड जा रहा है, और यहां पर ये फाइब्रीन ये ऐसे क्रिस्टलाइज करके ऐसे जाल बना देता है। इस जाल में आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस जाते हैं, फंस जाने से ये जाल का मुंह पूरा बंद हो जाता है, जो छेद है वो बंद हो जाता है, एंड ये क्लॉट का काम करता है एंड ब्लड को गिरने से रोकता है। सो द थर्ड प्रोटीन इज फाइब्रिनोजन, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। देखिए ये फाइब्रिनोजन इस तरह से ये आपका जाल बसा, इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी देखो यहां फंस गए एंड ये क्लॉट बना दिया एंड ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है। हो गया, सो प्लाज्मा कंप्लीट। आपने तीन मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है तो आपने पढ़ा वाटर है, वाटर के अलावा आपने पढ़ा 7% प्रोटीन्स है, इसके अलावा इसमें 0.9% इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोरीन बाइकार्बोनेट फॉस्फेट सो मेनी, राइट, एंड इसके अलावा 0.1% मैंने आपको बताया था न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। हो गया, प्लाज्मा कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्लड कंप्लीट। अब इस ब्लड में जो सेल्स पाए जाते हैं इसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में इसको कहा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मैंने आपसे क्या कहा है फटाफट मुझे नीचे लिखकर बताओ, इसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, व्हाई डू वी कॉल देम एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इफ यू कैन टेल मी। नहीं बोल सकते तो मैं तो हूं ही, बट आप मुझे बताना। दीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट इज एरिथ्रोसाइट्स और द आरबीसी, राइट, ये आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव दिख रहा है, यहां से भी डिप्रेस्ड है अंदर से भी। मैं हमेशा कहती हूं आरबीसी का शेप अगर इमेजिन करना है तो एक पॉपिंस नाम का टॉफी आता था पहले, अभी तो उतने बच्चों को खाते नहीं देखते, ऊपर में पॉपिंस लिखा रहता था, राइट, ये पॉपिंस की जो एक टॉफी होती है इसका आप देखते थे एज ऐसा है और अंदर की तरफ ये टॉफी ऐसा, अगर किनारे से देखोगे तो ऐसा दिखता था, ठीक, दैट मींस एजेस ऊपर में निकले हुए अंदर से ये डिप्रेस्ड है, शेप को कहते हैं बाइकॉनकेव। देखो एज मोटा है बीच से पतला है, सो इसका शेप कैसा है
biconcave, right? Erythrocytes सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं of all the three corpuscles. The number may be 4.5 to 5.5 million per ml of blood, per cubic ml of blood. ठीक है, कितना ज्यादा. They do not have a nucleus, आपको पता है, लेकिन आपको पता नहीं, ये पता है कि नहीं, आरबीसी में अक्सर लोग कहते हैं न्यूक्लियस नहीं है. और अगर पूछा जाता है क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह पर वो हीमोग्लोबिन को रख सके, जो हमारा एएचबी हीमोग्लोबिन को रख सके, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है. बट मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें इवन अदर सेल ऑर्गेनिक्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, ये सब भी नहीं पाई जाती, ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह पर हम हीमोग्लोबिन को रख सके, जो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन लेकर जाता है. ठीक है, सो दे डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, व्हाई? सो दैट द हीमोग्लोबिन कैन बी केप्ट इन द एंटायर वॉल्यूम. इसमें एक बहुत यूनिक एंजाइम पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, याद है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बताया था, फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ अ बॉडी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज. यस, वो आपके आरबीसी में पाया जाता है, जो CO2 ट्रांसपोर्ट में मदद करता है. कैसे? ये आपको रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ना था, ह्यूमन रेस्पिरेशन में. अभी तो सिलेबस से चैप्टर हट गया है, तो मैंने नहीं बताया, पर मैं बता दूंगी. ठीक है, मैं बाद में लास्ट में, मैं जितने चैप्टर्स हट गए मैं सबको पढ़ाऊंगी, तो आपको दिखेगा ये CO2 ट्रांसपोर्ट पे मदद करते हैं. आपको पता है ब्लड केवल ऑक्सीजन कैरी नहीं करता, CO2 भी कैरी करता है. CO2 को कैरी करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इसके अलावा आपको पता है इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, राइट? एंड जब ये मर जाता है तो इसको स्प्लीन में डिस्ट्रॉय किया जाता है. डू यू नो व्हाट इज द हीमोग्लोबिन लेवल, normal hemoglobin level in males and females? Do you know that? If you know it, write it in the comment, or else जब हम NCERT discussion करेंगे तो हम उसको देखेंगे. Very important आता है. So अभी मैंने इतना ही बताया, कुछ चीजें NCERT reading के वक्त के लिए छोड़ दी है. RBC biconcave है, number सबसे ज्यादा है 4.5 to 5.5 million. It does not contain most of the cell organelles. Hemoglobin carry करता है. एक enzyme है carbonic anhydrase जो oxygen के अलावा CO2 carry करने में मदद करता है. Lifespan 120 days है and spleen में destroy होता है. Now next we'll come to WBC or the leukocytes. The size of WBC or the leukocytes is larger than that of RBC. आप देखो RBC के comparison में WBC के size काफी बड़े होते हैं. ठीक है, the size is much larger, but the number is very less. जहां आरबीसी मिलियंस में है, ये केवल थाउजेंड्स में है. सो द ल्यूकोसाइट्स आर मोस्ट एक्टिव. अगर आरबीसी मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है अगर आरबीसी, तो ये सबसे एक्टिव एंड मोटाइल है. ये मोटाइल होते हैं, इनका एंड स्यूडोपोडियल होता है, ऐसे होते हैं डब्ल्यूबीसी, राइट? लोकोमोशन चैप्टर में आप पढ़ोगे, स्यूडोपोडिया से मूवमेंट केवल एमीबा में नहीं होता, हमारे डब्ल्यूबीसी में भी होता है. हमारे WBC भाई साहब काफी मोटाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं तभी ना ये ब्लड में से बाहर आ जाते हैं. मैंने अभी कहा था ना, इंटरसेल्युलर स्पेस में RBC नहीं होता लेकिन WBC होता है, तो ये एमीबॉइड होते हैं, ये ऐसे स्क्वीज करके ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं, राइट? सो दे आर द मोस्ट मोटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड एज वेल एज लिम्फ. मैंने कहा था ना, लिम्फ में RBC नहीं होता पर WBC होता है. ये कलरलेस है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता. इसकी साइज आरबीसी से काफी बड़ी है, देखिए लुक एट इट, इसकी साइज आरबीसी के कंपैरिजन में बड़ी है, बट नंबर काफी छोटी होती है. इट इज बिटवीन 7000 टू 10000 ओनली. अगर एवरेज में हम इसका एक मानते 8000 पर क्यूबिक एमएल ऑफ ब्लड, ठीक है, पर क्यूबिक एमएम ब्लड हम ये मानते हैं, राइट? अब मेरी बात सुनिए, अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी के सोल्जर्स है, राइट, किसी भी पैथोजन से लड़ने में मदद करते हैं, आपको क्या लगता है अगर WBC का काउंट बढ़ जाए क्या होगा? अच्छा होगा? मोर सोल्जर्स या मोर प्रोटेक्टेड? ग्रेट. नो, हाई WBC काउंट को ही हम कहते हैं ब्लड कैंसर. जो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया की हम बात करते हैं, वो WBC जब ज्यादा हो जाता है तो क्या करता है? सोल्जर्स तो आपने बथेरे इकट्ठे कर लिए, बहुत ज्यादा सोल्जर्स हो गए, बट उतने पैथोजेंस नहीं है, तो आप ही के सेल को मारना स्टार्ट करेगा कैंसर. इसी को कहते हैं ब्लड कैंसर, राइट? सो आइडियल नंबर कितना है? 8000, 10000 तक ठीक है. 50000 हो जाए तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग स्टेज आ जाता है. ये WBC का क्लासिफिकेशन एकदम नया है आपके लिए, फर्स्ट टाइम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
पेपर डिस्कशन करेंगे तो देख लेना मेडिकल में कितना आता है। ये मेनली दो तरह का होता है, वन इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड द अदर इज कॉल्ड एज अग्रैन्युलोसाइट्स। स्टडी से रिवील हुआ है कि ये जो WBC है दो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। कुछ WBC जो ब्लड में पाए गए, मैं यहां ऐसे ही बना दूं, ये मेरा ब्लड है, WBC इसमें पाया जाता है। स्टडीज ने देखा कि कुछ WBC ऐसे हैं जिसके सेल में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं एंड कुछ भी नहीं पाए जाते। जिसमें पाया जाता है उसको हमने बोला ग्रैन्युलोसाइट, जिसमें नहीं पाया जाता उसको हमने कहा ए ग्रैन्युलोसाइट्स, राइट। ये स्टडी से पता लगा, पर आपके NCERT में ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट में इतना ही डिफरेंस है, पर मैं आपको दो डिफरेंस बताऊंगी। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, वेरी इंटरेस्टिंग। देयर आर सम WBC व्हिच बेयर ग्रैन्युल्स ऑन द सर्फेस, दे आर कॉल्ड एज ग्रैन्युलोसाइट्स, दे डू नॉट, दैट्स अग्रैन्युलर। सेकंड नोटिस करो, अग्रैन्युलोसाइट का न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस में, इसका न्यूक्लियस काफी लोब्ड है, दे हैव लोब्ड न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस लोब्ड नहीं है। दिस इज वन मेजर डिफरेंस, राइट। सेकेंड डिफरेंस, स्टडी से पता लगा दैट ये जो ग्रैन्युलर WBC है इनके ग्रैन्यूल स्टेन हो, स्टेन दे कैन बी स्टेन्ड। स्टेन आपको पता है ना, जो पिगमेंट हम लोग यूज करते हैं सेल के वेरियस पार्ट्स को स्टडी करने के लिए, स्टेन। लेकिन ये सारे सेम स्टेन से स्टेन नहीं हो रहे थे, सम वर गेटिंग स्टेन बाय अ बेसिक स्टेन। नाम क्या हम बताएंगे, उसको कहते हैं बेसोफिल। फिल मीन्स लव, ठीक है, फिल मीन्स लव, एंड दे लव बेसिक स्टेन्स, दे आर स्टेन बाय बेसिक डाइज, सो दे वर कॉल्ड एज बेसोफिल्स। सम वर गेटिंग स्टेन बाय एसिडिक डाई ईओसीन स्टेन, सो दे वर कॉल्ड एज ईओसिनोफिल्स, एंड सम दे वर न्यूट्रल स्टेन से, सो दे वर कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स, ठीक। सबका परसेंटेज मैंने यहां लिखा है। अग्रैन्युलोसाइट स्टडी से देखा गया अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली, ये फिर दो तरह का है, वन इज कॉल्ड एज लिम्फोसाइट एंड द अदर इज कॉल्ड एज मोनोसाइट। कितने परसेंट में कौन सा पाया जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन सब में सबसे अबंडेंट है न्यूट्रोफिल, 62% ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ WBC। नेक्स्ट अबंडेंट है लिम्फोसाइट, इट इज 30%, राइट। उसके बाद है दिस इज 62%, दिस इज 30%, नेक्स्ट इज मोनोसाइट 5-6%, उसके बाद है ईओसिनोफिल 3%, एंड द लीस्ट जो सबसे कम पाया जाता है दैट इज बेसोफिल 0.5-1%। इज दैट क्लियर? चलिए इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रैन्युलोसाइट अग्रैन्युलोसाइट, इनमें सबका नाम लिखा है। अग्रैन्युलोसाइट में पहले अग्रैन्युलो पढ़े, सबसे पहला लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट दो तरह का होता है, TNB। क्लास 12 में इम्यून सिस्टम में दोनों को डिटेल में पढ़ोगे, फिलहाल सिर्फ नाम याद कर लो। ये जो लिम्फोसाइट्स है ना बेटा, ये फिर दो तरह के होते हैं, दिस इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, वन इज टी लिम्फोसाइट एंड द अदर इज बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये आप सिर्फ नाम याद कर लो, फिलहाल 12 में पढ़ोगे सब डिटेल में, ठीक है। ये बेसिकली आपकी बॉडी में मेन इम्यूनिटी यही देता है, और जो एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं आपकी बॉडी में किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, जो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है वो बेसिकली लिम्फोसाइट ही बनाता है, वो भी उसमें भी अगर आप जानना चाहें तो बी लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। तो एक हो गया लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपका कितना परसेंटेज है देख लो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, सॉरी कॉर्पसल्स। ये दो तरह का होता है, BNT, एंड ये आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स, मेजर इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करने वाला है। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनता है, टी लिम्फोसाइट थाइमस में बनता है। अच्छा अब जब थोड़ा बता रहे हैं तो बता ही देते हैं, ये जो लिम्फोसाइट है इट्स अ टाइप ऑफ WBC। ये करीब 30% ऑफ द टोटल WBC को कंट्रोल करता है। ये दो तरह का है, वन इज इनमें से जो वो लिम्फोसाइट जो आपकी बॉडी में थाइमस में बनते हैं, तो थाइमस में टी वर्ड है उसको कहते हैं टी लिम्फोसाइट, और जो बोन मैरो में बनते हैं तो बोन मैरो में बी है, राइट। सो उसको हम लोग कहते हैं बी लिम्फोसाइट, राइट। ये जो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं थाइमस एंड बोन मैरो में, इसमें से बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो बोन मैरो में बनते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, और कोई भी एंटीजन जब मेरे बॉडी में एंटर करता है तो ये एंटीबॉडी बनाते हैं उस एंटीजन को मारने के लिए। ये एंटीबॉडी नहीं बनाते, ये किलर सेल्स बनाते हैं, ठीक है, ये किलर सेल्स बनाते हैं जो अगेन किसी भी एंटीजन को पकड़ पकड़ के मारता है।
तो मेनली ये आपके बॉडी में इम्यूनिटी देते हैं किसी भी पैथोजन से, आपकी बॉडी को लड़ने का ताकत देते हैं. हो गया. सो दे कंस्टिट्यूट अबाउट, मैंने पहले 30% लिखा था, यहां लिखा है 20-25%. शायद मुझे लगता है वो मैंने एक अप्रोक्सीमेट फिगर दिया था. दिस इज द एग्जैक्ट वॉट इज गिवन इन योर एनसीआरटी. सो नॉट 30, प्लीज इरेज 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 इरेज. 30 को इरेज कर दो, राइट. 20-25% ऑफ द डब्ल्यूबीसी है, ये आपके बॉडी में सीरम ग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन दैट मीन्स एंटीबॉडीज बनाने में मदद करते हैं. नेक्स्ट वील कम टू मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स फैगोसाइटोटिक है. देखो मैंने कहा ना ये एमीबॉइड है, और ये देखो कोई फॉरेन पैथोजन आया और इसने अपना स्यूडोपोडिया फैलाया और उसको अंदर ले लिया और इस तरह से उसको मार दिया, राइट. फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस मीन्स टेकिंग इन ऑफ सॉलिड फूड. तो ये डब्ल्यूबीसी है ना, बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे. तो लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी, ब्रह्मास्त्र बनाते प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये क्या करते हैं, राक्षस है, ये खा जाते हैं सबको, ठीक है. और वो ब्रह्मास्त्र, विष्णु भगवान जैसे ब्रह्मास्त्र चला रहे और ये राक्षस है वो उसको निगल रहे, राइट. सो मोनोसाइट्स कितना परसेंट है, 5-6%, याद कर लेना. एंड दे आर वेरी मोटाइल, देखो कितना स्यूडोपोडिया बना है. एंड दे आर फैगोसाइटोटिक. ये हो गए अग्रैन्युलोसाइट. अब आ जाते हैं ग्रैन्युलोसाइट में. सबसे पहला है न्यूट्रोफिल्स, राइट. न्यूट्रोफिल में आपको पता है सबसे अबंडेंट है, 60-65% है, राइट. और ये डू नॉट टेक कलर व्हेन एक्सपोज टू एसिडिक एंड बेसिक डाई. ना एसिडिक डाई से इनके ग्रैन्यूल स्टेन पकड़ते हैं, ना बेसिक से, ये न्यूट्रल डाई से लेते हैं. और इसका ये भी मोनली फैगोसाइटोटिक है. देखो ना ये ऐसे पूरा ऐसे जबड़ा खोल लिया और पैथोजन को देखो कैसे अंदर निकल रहा है. ये बैक्टीरिया आपका, जस्ट लुक एट इट, राइट, कैसे ये आपका निकल रहा है. हाँ, ये आपका ब्लड है, ये आपका सेल है, ये देखो कितना सुंदर डायग्राम है. दिस इज द ब्लड और ये आपके सेल है, और सेल में आपका बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है. तो बैक्टीरिया यहां पर ग्रीन बना है, तो मैं भी ग्रीन बना देती हूं, ठीक है. तो ये महाशय जिसको मैं ब्लू कलर से बना रही हूं, ये पर्पल बना है, ठीक. ये एमीबॉइड है ना, तो ये सेल ब्लड से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद ये कैसे इस पैथोजन को देखो निगल रहे. फैगोसाइटोटिक. नेक्स्ट आ जाओ बेसोफिल्स, सॉरी इओसिनोफिल, 2-3%. एसिडिक स्टेन, इओसीन, ठीक है, इओसीन से स्टेन होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इओसिनोफिल, और क्योंकि एसिडिक स्टेन से होते हैं तो इसको हम लोग एसिडोफिल भी कहते हैं, इसको हम एसिडोफिल भी कहते हैं, ठीक. ये आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड है. आपकी बॉडी में जब एलर्जी होता है तो एक एंटीबॉडी बनता है, उस एंटीबॉडी का नाम है एंटीबॉडी ई, ठीक. तो ये इस एंटीजन के साथ मिलकर एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर करने में मदद करते हैं. ये सारी चीजें क्लास 12 में पढ़ेंगे आप. फिलहाल से याद कर लो ये एलर्जिक रिएक्शन को देखते हैं. लास्ट कौन है, बेसोफिल. कितना कॉन्स्टेंट है, 0.5-1% ओनली, राइट. और ये बेसिक स्टेन मिथिलीन मिथाइलीन ब्लू से स्टेन होते हैं, राइट. बेसिक स्टेन मिथाइलीन ब्लू से स्टेन होते हैं, और ये भी आपके बॉडी में हिस्टामीन बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये हिस्टामीन आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रिगर करने में मदद करता है. सो इसका भी रोल एलर्जी है, ठीक है. बेसोफिल ये देखो हिस्टामीन्स पढ़ाएंगे, सब क्लास 12 में डिटेल में पढ़ाएंगे. बेसोफिल्स एक केमिकल रिलीज करते हैं हिस्टामीन, और ये हिस्टामीन आपके बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है. यानी कि जो आपको छींके आती हैं, जो छींकते हैं, दाने निकल जाते हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिस्टामीन विच इज एक्चुअली रिलीज्ड बाय बेसोफिल. इसके अलावा ये सेरोटोनिन एंड हिपेरिन भी बनाते हैं, ठीक है, जो इन्फ्लेमेटरी यानी कि एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, जो आपके दाने वगैरह निकल जाते हैं, छींक आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक. दिस इज बिकॉज ऑफ बेसोफिल विच सिक्रीट हिस्टामीन सेरोटोनिन एंड हिपेरिन. क्या क्या बताया, हिस्टामीन सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, ठीक है. सो दिस इज हाउ दे वर्क. यहां पर मैंने इसका एक टैबुलर फॉर्म बना दिया है, देख लो, याद कर लेना, बहुत जरूरी है. इओसिनोफिल कितना है, 2-3% है, ये क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन. बेसोफिल 0.5-1% है, ये क्या करता है, हिस्टामीन सेरोटोनिन हिपेरिन, एंड ये इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करता है. फिर आ जाओ न्यूट्रोफिल, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. एक साल एनसीआरटी का केवल डायग्राम बना दिया और बोला आइडेंटिफाई करो विद द फंक्शन. तीन चीजें जानना है,
एक तो डायग्राम से आइडेंटिफाई करना है, परसेंटेज डालना है और फंक्शन जानना है, ठीक है। एक साल यही मैथ्स दो कॉलम में दे दिया मेडिकल में, ठीक। डायग्राम से परसेंटेज एंड फंक्शन आइडेंटिफाई करना था, इसीलिए मैंने आपका यहां बना दिया। एनसीईआरटी में ये न्यूट्रोफिल है, 60 to 65 मोस्ट अबंडेंट, ये मोनोसाइट्स के साथ मिलकर फैगोसाइटोटिक करता है। फिर आ जाओ मोनोसाइट 5 to 6% है, ये भी फैगोसाइटोटिक है। एंड लिम्फोसाइट 20 to 25% है, एंड ये आपकी बॉडी का मेन इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। सो डब्ल्यूबीसी के बाद लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है प्लेटलेट्स, राइट। प्लेटलेट इट इज इसका नंबर बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ना आरबीसी जैसा मिलियंस में है, ना डब्ल्यूबीसी जैसा थाउजेंड्स में, बीच में लैक्स में, ठीक है। सो इसका करीब अगर आप लैक में देखोगे तो 2.5 lakh to 4 lakh पर क्यूबिक एमएम ब्लड ये पाया जाता है। इज दैट क्लियर? ये ऐसा राउंडेड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, राइट, एंड इन्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। आप बोलोगे मैम अगर ये इन्यूक्लिएटेड है तो हम लोग पढ़ते हैं देर आर ओनली 2 ऐसे एक्सेप्शनल सेल्स जो इन्यूक्लिएटेड है येट लिविंग है, ठीक। एनिमल्स में आप पढ़ते हैं आरबीसी, इट इज इन्यूक्लिएटेड बट लिविंग। एंड प्लांट्स में आप पढ़ते हैं सीव ट्यूब्स, दे आर इन्यूक्लिएटेड बट लिविंग। आप कभी प्लेटलेट्स को नहीं पढ़ते इन्यूक्लिएटेड एंड लिविंग में। वाई? जब ये इन्यूक्लिएटेड है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, आप इसको क्यों नहीं पढ़ते? कभी सोचा है? सच पूछो, मुझे सारे जवाब देने का मन नहीं करता, मुझे लगता थोड़ा खुद से भी खोजो, राइट। लेकिन चलो बता देते, पहले तो सोचा आपको टाइम दूं और नहीं हो तो बाद में इंस्टा में डालूं, पर चलो अभी मैं बता देती हूं। इसलिए क्योंकि प्लेटलेट ट्रू सेल है ही नहीं। व्हाट इज अ ट्रू सेल? अ ट्रू सेल इज वन, दे आर नॉट ट्रू सेल्स। जब ये ट्रू सेल ही नहीं है तो इसको ट्रू सेल की कैटेगरी में एक्सेप्शन में गिनने की क्या जरूरत है? अब आप बोलोगे मैम ट्रू का स्पेलिंग आपको दिख रहा है, सेल नहीं है, क्यों? अ ट्रू सेल इज वन विच इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय प्रॉपर सेल डिवीजन विच इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, तब जाकर आपके 2 सेल बनते हैं। अगर माइटोसिस से कोई सेल बनता है तो उसको ट्रू सेल कहा जाता है। प्लेटलेट को हम ट्रू सेल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये माइटोसिस से नहीं बनता। तो आप पूछोगे मैम कैसे ये बनता है? एक बहुत बड़ा सेल है, उसका नाम है मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। ये बहुत बड़ा सेल है, मेगा बड़ा सेल है, एंड इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, इसलिए इसको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। एक सेल, ये मेगा कैरियोसाइट के पिंचिंग से बनता है। ये पिंच ऑफ हो गया, एक सेल बना दिया, पिंच ऑफ हुआ एक सेल। जैसे मम्मी जब घर पे आटा लगाती है तो पिंच ऑफ करके छोटी छोटी लोइयां बनाती है, वैसे ही बड़ा सेल है वो केवल पिंच ऑफ हो रहा है। यहां सेल डिवीजन नहीं हो रहा प्रॉपर कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस एक्सेट्रा, कुछ नहीं हो रहा। तो जब ये प्रॉपर सेल डिवीजन से नहीं बन रहा तो ये तो ट्रू सेल ही नहीं है। जब ट्रू सेल नहीं है तो इसको इन्यूक्लिएटेड में क्या गिनना है? इसका ट्रू सेल मेगा कैरियोसाइट होता है जो एक्चुअली न्यूक्लिएटेड है। साइट, CYTE, दिस इज साइट, न्यूक्लिएटेड है, राइट। तो इसका जो पेरेंट सेल है वो न्यूक्लिएटेड होता है। सो जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए बता दिया ये। इसकी नंबर मैंने बता दिया, छोटे होते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। एट द साइट ऑफ इंजुरी, जहां पर भी आपका कट जाता है वहां प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट करता है, कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है जिससे ब्लड क्लॉट करता है। एग्जैक्टली ब्लड कैसे क्लॉट करता है, इस पर एक अलग टॉपिक है जो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, हो गया। So with that, the components of the blood has come to an end. So आपने देखा हमारी बॉडी में 2 सर्कुलेटरी सिस्टम है। One is your blood circulatory system, right? And the other is your lymph circulatory system. Lymph circulatory system consists of lymph vessels and lymph nodes. The blood circulatory system consists of blood, right? It consists of blood. It consists of blood vessels and it consists of heart. हमने आज स्टार्ट किया ब्लड, इसीलिए मैंने ब्लड को पूरा लिखा है, दिस इज हार्ट, ठीक। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा, राइट। ये प्लाज्मा अगेन 90 to 92% वॉटर का बना हुआ है, इसके अलावा 7% प्रोटीन है, उसके अलावा इसमें इनऑर्गेनिक आयंस है एंड ऑर्गेनिक आयंस है, ठीक है। दिस इज इनऑर्गेनिक एंड दिस इज ऑर्गेनिक। इसके अलावा ब्लड कंटेन्स मेनी सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पसल्स
और द फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों कहते हैं आप बताएंगे, राइट? नहीं तो वी मीट ऑन माई इंस्टा। ये जो कॉर्पसल्स हैं, ये कॉर्पसल्स फिर तीन तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, राइट? अब ये इन तीनों को मैंने डिटेल में बताया। डब्ल्यूबीसी का फर्दर क्लासिफिकेशन, ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट, दिस इज अगेन ऑफ थ्री टाइप, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और एसिडोफिल, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। मैंने सबका यू नो परसेंटेज एंड फंक्शन आपको बता दिया। सो विद दैट द फर्स्ट टॉपिक ब्लड, इट हैज कम टू एन एंड, राइट? तो चलिए क्विकली आपके एनसीईआरटी में एक बार देख लें, हमने जो पढ़ा है, कुछ पॉइंट्स छूट गए जैसे हीमोग्लोबिन का परसेंटेज एक्सेट्रा, तो हम देखेंगे साथ। मैं कुछ चीजें जानबूझ के एनसीईआरटी के लिए छोड़ देती हूँ ताकि आप लास्ट तक रहें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा माई बाप, हमारा सब कुछ, हमारा भगवान एनसीईआरटी है, जिसे हमें अच्छे से पढ़ना है। तो मैं नहीं चाहती आपका छूटे, इसीलिए कुछ चीजें एनसीईआरटी के लिए छोड़ देती हूँ। सो दिस इज योर ब्लड, अनदर फ्लूइड आपकी बॉडी में पाया जाता है लिम्फ। We started with blood, 90-92% is water, then proteins, 6-8%. मैंने 7 लिखा था, आपके एनसीईआरटी में 6-8, right? And इसमें प्रोटीन में मेन तीन है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। बिता लो 7, उसके जगह 6-8 डाल दो, राइट? 6-8, 6-8, 6-8, 6-8, नॉट फॉरगेट, राइट? फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग करता है, ग्लोबुलिन डिफेंस से मदद करता है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, HCO3- क्लोरीन, पढ़ लेना, आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन ब्लड और समथिंग लाइक दैट, पढ़ लेना। ऑर्गेनिक में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा, ठीक। एक वर्ड जो मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के, वो है सीरम। व्हाट इज सीरम, राइट? प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन को हटा दिया जाए, क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, उसके बाद जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग कहते हैं सीरम, ठीक है? मेन काम है इसमें प्लाज्मा खाना वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। इसके अलावा थोड़ा बहुत क्लॉटिंग वगैरह में भी रेगुलेट करता है, बट प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, राइट, माइनस फाइब्रिन, इसका एक्टिव फॉर्म है फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन, दैट इज कॉल्ड एज सीरम। दिस प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड एज योर सीरम, याद कर लेना, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आप बताएंगे मुझे, राइट? इसमें आरबीसी नंबर याद कर लेना, 45% इज योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, 5 million to 5.5, मैंने कितना लिख दिया था, 4.5 to 5.5, फिर मिटा लू, राइट? एनसीईआरटी का याद करो बेटा, मेरे स्टैटिस्टिक्स गलत नहीं है, इट्स ओनली दे डोंट कोइंसाइड विद योर एनसीईआरटी। मेरे स्टैटिस्टिक्स गलत नहीं है, वो ज्यादा स्टैंडर्ड है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में वही पाया जाएगा, बट आप एनसीईआरटी याद करना। सो बेटा लो कितना है, 5 to 5.5 million, राइट? कहां पाया जा, बनता है बोन मैरो में, छूट गया था, बनता बोन मैरो में, लेकिन मरता कहां है ये, स्प्लीन में, राइट? स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज है, रेड कलर का क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, 12 टू 16 ग्राम एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन इज 12 टू 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इज दैट क्लियर? सो उसको जरूर से याद कर लेना। और इसके अलावा क्या है, इसमें आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी नंबर है 6,000 to 8,000, जो एनसीईआरटी है वही याद करना, 6,000 to 8,000, राइट? मैंने कहा था 7 to 10, भूल जाओ, एक्चुअली हम लोग नॉर्मल में 7 to 10 का ही रेंज रखते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में 6 to 8, सो 6 to 8, रब इट एंड रिमेंबर 6 to 8, ठीक है? और इसमें मेनली दो कैटेगरी है, ग्रैन्युलो और ग्रैन्युलो, सबका नाम लिखा है यहाँ पर, परसेंटेज दिखा है बेटा, न्यूट्रोफिल 60-65%, बेसोफिल 0.5-10%, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट 6-8%, जो एनसीईआरटी का वही याद रखना, इओसिनोफिल 2-3%, ठीक है? एंड सबका फंक्शन यहाँ लिखा है, बेसोफिल्स आर लीस्ट, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटोटिक, बेसोफिल दे मेक हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन, इओसिनोफिल दे रेजिस्ट इन्फेक्शंस, राइट, एंड एलर्जिक रिएक्शंस। लिम्फोसाइट 20-25%, दो तरह का, बी एन टी, और आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स मेंटेन करता है।
अगेन आई एम सेइंग प्लीज एनसीईआरटी के स्टैटिस्टिक्स ही याद रखना. प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स इसकी संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख लिखी है. जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद करना ठीक. एंड दे आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. सो विद दैट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज योर ब्लड. द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ब्लड. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड कंप्लीट हो गया है. एक बार अच्छे से देख लेना, एनसीईआरटी जरूर देख लेना, सारे स्टैटिस्टिक्स याद कर लेना. मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो ओनली फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स नीड्स टू बी लर्न्ड, उसको याद कर लेना. एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब हम आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक ब्लड ग्रुप्स, ब्लड क्लॉटिंग एंड सो ऑन. हार्ट, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, मजा आएगा. आपके दिल का मामला है ना, आपके शरीर का जो पार्ट जो आपको सबसे ज्यादा क्लोज है आपके दिल का मामला है. सो ऑब्वियसली पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ते रहना बेटा बस. जस्ट बी ओवर विद व्हाट हैज बीन टॉट. अभी जो पढ़ाया गया है याद कर लेना. विल मीट सून. लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर कॉमेंट्स. कॉमेंट जरूर देना एंड विल मीट वेरी सून. या टिल देन गुड लक एंड गुड बाय.